आज हम आपको एक ऐसे डकैत के बारे में बताएंगे जिसके आगे नेता भी सर झुकाते थे। फतेहपुर में इस डकैत का मंदिर बना हुआ है और आज इसकी जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और खासकर बुंदेलखंड के नामी गिरामी दासियों सरगना रहे ददुआ उर्फ शिव कुमार पटेल की सोशल मीडिया पर पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज ही के दिन 22 जुलाई 2007 को ददुआ पुलिस के हाथों मारा गया। ददुआ समर्थक सोशल मीडिया पर उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसकी महिमा का मंडन कर रहे हैं। बताया जाता है कि ददुआ के भाई पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल और पुत्र पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल और भतीजे प्रतापगढ़ विधायक राम सिंह पटेल के फोटो भी श्रद्धांजलि के संदेशों में लगाए गए हैं। इसमें ददुआ का भी फोटो है। गौरतलब है कि फतेहपुर के कबरहा गांव में ददुआ का मंदिर बनाया गया है। इसमें ददुआ की मूर्ति लगी है। आज वहां कुछ खास आयोजन भी हो सकते हैं। उस समय में चुनाव लड़ने के लिए भी ददुआ की इजाजत लेनी पड़ती थी। 70 के दशक में ददुआ का नाम चंबल के बीहड़ों में दहशत का पर्याय था। लगभग 30 साल चले ददुआ के आतंक का आलम यह था कि अगर किसी को प्रधानी, विधायक और सांसद का चुनाव लड़ना होता था तो ददुआ के आगे चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था। हर चुनाव की एक फीस तय थी और उसके बिना कोई नेता चुनाव में आगे नहीं बढ़ सकता था। वहीं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ददुआ पर 400 मामले दर्ज थे, जिनमें 200 तो केवल डकैती के थे, जिनमें 200 तो केवल डकैती और अपहरण के थे। वहीं 150 हत्याओं के मामले भी शामिल थे। पुलिस और एसटीएफ ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के आल्हा गांव के पास झालवाल में 22 जुलाई 2007 को एनकाउंटर में 6 लाख के इनामी ददुआ को मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।